Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए, साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मदद करेंगी। 40 चोरों के थीफ ने गोल्डन की ले ली और की को वापस हासिल करने के लिए हम उसकी गार तक पहुंचे जहां हम दुनियाजात के जादू का शिकार हो गए, मगर हलील की मदद से हम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। अब हमें किसी भी तरह लॉस्ट टेंपल तक पहुंचना है। फाइनली हमारे पास है गोल्डन की और ट्री ऑफ लाइफ भी करीब है हमारे। ये पोर्टर यहाँ कैसे? वो हमारी तरफ आ रहा है। इस वक्त हम लोग मुश्किल में नहीं फंसना चाहते, छुप जाते हैं। चलो ये यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है इसे दुनियाजाद ने भेजा हो हमें ढूंढने के लिए। शुक्रिया। हा? पानी से करीब रखना मुझे, बहुत प्यासा हूँ मैं। डॉक्टर डुबान, आपने हमें कैसे ढूंढा? मेरे जासूस हर जगह फैले हुए हैं और जब बात हो ट्री ऑफ लाइफ देखने की तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, बताओ जरा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया कि आप आ गए डॉक्टर डुबान। शाहजमान उठो, तुम सो क्यों रहे हो? रुक जाओ, मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? तुम अपने होश में तो हो ना? इस सल्तनत के असली सुल्तान करीम के लिए। क्या? असली सुल्तान करीम? शाहजमान, मैं तुम्हें छोड़कर क्या गई कि तुम गायब हो गए? यकीनन इसके पीछे वो गद्दार उस्मान है। 19, 20, अब तो खुश हो ना पोटर। ओह प्लीज, आप मुझे पोटर कह के मत बुलाएं। इस सब के बाद मुझे मजीद पोटरी की जरूरत नहीं। तो अब वक्त है ट्री ऑफ लाइफ जाने का। चलो इनका पीछा करें कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये सब बर्बाद कर दिया? सिमिलर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी यही था। कहाँ गया? चोरी हो गया? कौन ले गया? चोरी करने वाले को देखना छोड़ूंगी नहीं। Don't touch me! शुक्र है दुनियाजान, आ गई तुम। उस्मान के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया है महल पर। मेरे शाहजमान, ठीक हो तुम? मैं तो डर गई थी। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मौत की निशानी को संभाल के रखा। दुनियाजान, वैसे इसमें ऐसी क्या खास बात है? इस ब्लेड का ताल्लुक है डार्केस्ट ऑफ डीमंस से, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया के सारे डीमंस को आजाद करवाना। ये ट्री ऑफ लाइफ को काट डालेगा तो सबसे ताकतवर डीमन आजाद हो जाएगा।
और मेरी गुलामी करेगा। आपके लिए एक खबर है मालके, हमने पीछा किया उनका और हमने उन्हें ढूंढ लिया। तो अब चलिए हमारे साथ। तुम यहीं रुको। लेकिन उस्मान के सिपाही अब मार देंगे मुझे, और गोल्डन सिटी के लोग भी हमें नहीं बचाएंगे शायद। हम इतने खुशकिस्मत कहाँ। क्या किसी को कुछ दिखा? कुछ भी नहीं देखा। सही, कुछ भी नहीं। ओरिकल ने ये साफ साफ कहा था कि वो एक मिस्टिक पोर्टल जैसा है। तो इसका मतलब है, हो सकता है कोई जादुई दरवाजा हो। सब लोग मैजिक का कोई साइन तलाश करें। यहाँ है मार्केन। हाँ, जल्दी करें। हाँ। उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए अंदर जाओ। ये दीवार आप पहले ही तीन बार चेक कर चुकी हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं, हो सकता है ये भी वो जगह नहीं है। क्या तुम्हारे हाथ में जो नजर आ रहा है वो लैंप है? हाँ, क्या कह रहे हैं आप हलील? ये तुम्हारे हाथ में जो है, देखो ये चमक रहा है। इसका मतलब है दरवाजा करीब है। कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये तो कुछ शायद, हाँ, रास्ता दिखाओ हमें। हाँ? शहजाद की, जल्दी करो। अच्छा ये है। करीब, ये ट्री ऑफ लाइफ कितना खूबसूरत और चमकदार है ना। ये है ट्री ऑफ लाइफ, ये तो मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है। ओके, हम यहाँ आ गए, चलो आगे बढ़े। जान छूटेगी इस मॉन्स्टर से। तुम लोगों का शुक्रिया, मुझे खुद ही पहुंचा दिया ट्री ऑफ लाइफ तक। ट्री से दूर हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि ट्री ऑफ लाइफ कटते हुए कैसा लगता है शेरजाद। शाहजमान कहाँ है? वो भी अब तुम्हारे साथ शामिल नहीं होगा, जानता हूँ। तख्त पर आराम कर रहा होगा और क्या। ये और बात है कि उसकी फौज ने उसे तख्त से हटाना दिया हो। प्लीज, हमें फौरन महल जाना है और उस्मान को ये हुक्म देना है कि शाहजमान को छोड़ दे, वो अब भी मेरा भाई है। ये बहुत बड़ी गलती होगी। करीम, इस पे बिल्कुल रहम नहीं खाना, छोड़ा नहीं से। वो शाहजमान अब मेरे किसी काम का नहीं है। तुम दोनों फॉरेन गोल्डन सिटी जाओ, इन लोगों के लिए मैं ही काफी हूँ। देखो, वो किसी भी सूरत बचना नहीं चाहिए। क्या उसे खा ले हम? हजम कर सकते हो तो खा लो उसे। तो क्यों ना इस खेल को आप खत्म करें। Oh!
बहुत जल्द ये जगह मेरी होगी। आपके बाबा का बहुत शुक्रिया कि हमें सफर के लिए जहाज दिया। अगर मेरे पुराने अमले ने मुझे इस जहाज में देखा तो कहे। वो क्या चीज थी? डीमंस, ये दुनिया जात नहीं किया होगा। ये तो काफी खतरनाक लगते हैं। ओह, कितने भी खतरनाक हो, हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है सिंबाद दी सेलर। जाहिर है, सिंबाद और उसके दोस्त। अब जल्दी से हमें गोल्डन सिटी ले जाओ सिंबाद। हाँ, मैं बस आपके ही हुक्म का इंतजार कर रहा था। हिफाजत करो शहरियों की, किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। क्यों मैं हमेशा दुनिया जात की बातों में आता रहा? मैं यहां से जा रहा हूं। हमारा खाना तैयार है, खाएंगे तुम्हें आज। मालकिन ने खाने की इजाजत दे दिया। कोई मुझे बचाए। छोड़ दे मुझे प्लीज। हम तुम्हें खा जाएंगे। दोबारा आपसे मिलकर खुशी हुई शाहजमान। कहीं जा रहे हैं या रास्ता भूल गए हैं अपने तख्त का? अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। प्लीज प्लीज। हम आपको यहाँ बचाने के लिए ही आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने भाई का शुक्रिया अदा करना होगा। हाँ बिल्कुल करूंगा, प्लीज मुझे बचा लें। प्लीज। किस कदर बदसूरत शक्ल का है ये, मेरी तरफ क्यों आ रहा है? शुक्रिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर आप इस विलन की जिंदगी क्यों बचाना चाहते हैं? हाँ, मजबूरी है। इस तरह इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कोई टिक नहीं पाएगा।
तुम पर रहम किया जा सकता है, सारी जिंदगी मान सही रहो। दुनिया मेरे कष्ट में है। शेरशाह, मुझे मरने दो। शेरशाह, शेरशाह, ये आखिरी फल है, इसे खाओ। नहीं, ये तुम खाओ, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरी फिक्र मत करो, ये लो, सुल्तान के हुक्म को मानो। मैं आखिरी दफा करीम का असल चेहरा देखना चाहती हूँ, प्लीज। शेरशाह, ये देखो, मुझे एक और फ्रूट मिल गया, अब हम दोनों बच सकते हैं। पहले तुम। नहीं, पहले तुम, जल्दी प्लीज। इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वेलकम बैक शेरशाह। ओके, तुम्हारी बारी, चलो अब जल्दी से ये जादू खत्म करें। किसका इंतजार कर रहे हो? इसका मतलब फ्रूट एक ही था। अब हम क्या करेंगे करीम? यहाँ एक और फ्रूट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, मुझे सिर्फ एक और चाहिए, एक और तो हो सकता है ना? शेरशाह, इसे रहने दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, तुम्हारे बगैर ठीक हो जाने का फायदा क्या होता? पूरा शहर तबाह हो गया, हर चीज तबाह हो गई। भाई रुक जाओ, तुम जिम्मेदार हो इस सबके। उस्मान, नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। यहाँ के असल सुल्तान करीम का हुक्म है कि उनके भाई को कुछ ना कहा जाए, छोड़ दिया जाए। आपका भाई करीम मुझसे कहीं ज्यादा रहमदिल है, इस झूठे सुल्तान शाह जमान को सजा हम नहीं देंगे, प्रिंस करीम खुद ही देख लेंगे। तुमने एक बहुत बड़ी बेवकूफी की है, जानते हो ना? अच्छी तरह जानता हूं, दोस्ती में ऐसा सब होता है। शेरशाह, वो देखो। कैसे हो गया? हाँ वाकई। डरो मत सिपाहियों, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलो बाहर चले सिपाहियों, एक बहादुर की तरह। भागो, चुप रहो। इंसान
नहीं हो सकता, मैंने तो इसे खत्म कर दिया था। वेल, मुझे तो बिल्कुल जिंदा नजर आ रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबसे बदला लूंगी, देखना। जल्द ही आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। सुल्तान करीम, आपके लिए यहाँ बेशुमार फ्रूट्स अवेलेबल है। क्या वाकई ये मैं हूँ? करीम! कहते हैं कि हर अच्छे जादू की सोर्स ट्री ऑफ लाइफ है, मगर आज मालूम हुआ कि ट्री ऑफ लाइफ को क्या चाहिए? दोस्ती और प्यार। आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, सचमुच। गार्ड, गार्ड, मैं तैयार हूँ ऑर्डर करने के लिए। प्रॉन्स बिरयानी मंगाई जाए तो कैसा है? यम्मी, ओह, बासी ब्रेड। ये सुल्तान के साथ कैसा सुलूक? सुल्तान तो देखो जरा। तो सुल्तान, अब आगे क्या होगा? मेरे ख्याल में सल्तनत की हिफाजत, उसे बुराइयों से महफूज रखना, गद्दारों और दुश्मनों से लड़ना, दूर दराज इलाकों तक सफर करना, गरीबों को इंसाफ दिलाना, अब ये सब जिम्मेदारियाँ मुश्किल हैं। तो अब तक जो कुछ हुआ वो सब आसान था क्या? हाँ, वैसे ही लगता है। ओके, जैसे कहा। तो ये कहानी की हैप्पी एंडिंग थी या फिर एक नई कहानी की बिगिनिंग, हम नहीं जानते, क्योंकि हमेशा एक एडवेंचर आसपास रहता है। लेकिन ये कहानियाँ मैं आपको एक नए दिन सुनाऊंगी।